चलो बाय बाय। तो अभी पीयूष का एक सवाल है, क्या सवाल है? कि आप आसपास बाइक खड़ी करके वहाँ पर गए? वहाँ पर गए, ठीक है, और बाइक लेके कोई निकल लिया? तो निकल लिया तो चलाते कैसे भारी भी तो होगी फिर उतनी वही तो भारी तो होगा यार। डबल है, डबल तीन होना है। आगे का हिस्सा देखो जो है, मतलब इसका वेट अराउंड अगर पेट्रोल वेट्रोल डलवा के 350 किलो है तो पहुंच रहे पैर भाई। होगी सीधी? नहीं पहुंच रहे भाई, नहीं। इतनी बार बड़ी भाई, पहली बार देखी भाई। इतनी बड़ी भाई। इसके शॉकर डाउन करता हूं, शायद पैर पहुंच जाए। इसके सस्पेंशन ना ऑटोमेटिक है, आगे से बटन दबाऊंगा डाउन हो जाएंगे। सीधी करो, ये हो गई सीधी। बस दोनों पैर हल्के हल्के लग रहे हैं भाई? नहीं लग रहे? नहीं लग रहे भाई, मेरे तो पहुंच रहे थे। एक ऊपर नीचे है ना, ध्यान से ध्यान से। एक बारी बैलेंस बन गया ना। चल स्टैंड 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 चलो बाय बाय। यार गिर ना जाए यार, ले गिर के चल। बच गई, भागो भागो भागो। क्या गजब बाइक है भाई। तो फिलहाल साहिल चला रहा है, मैंने तो चला ली। पैर तो इसके भी नहीं पहुंच रहे। बेस्ट ऑफ लक साहिल, बस गिरने मत दियो। चलो चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे। तू मत भाग। तो अभी मैं GoPro 9 से ब्लॉग कर रहा हूँ, तो बस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो इस मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लाइक कर देना। अरे ये तो उनके कैमरे से हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, उन्हीं के चैनल को कर देना। अरे अपन लेट हो गए, अपन बहुत पीछे हो गए। बहुत तेज चला रहा है साहिल। बाकी यहाँ पे सही है, खुला एरिया है ना, तो चला सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मजा आया? बहुत स्मूथ है चलाने में, बहुत स्मूथ लगती है, चलाने में फील नहीं होता। अरे बहुत ही हल्का फील हो रहा है, ऐसा लगता है हल्की सी है बिल्कुल बाइक। हां चलाने में नहीं फील होता, जब तक बैठे नहीं ना तब लगता, देख के अरे यार इतनी हैवी बाइक हमसे चलेगी नहीं चलेगी। जैसी बैठ जाओ हल्की सी आगे बढ़ती है, फिर चलती जाए चलती जाए। तो अभी यहां चल रहा है फोटो सेशन, अभी आओ ना। अच्छा मैं भी आऊं? ये भी ऐसे ही खुलता है, यहाँ से चाबी खुल गया, खुल गया ना। हाँ ये सब का सब इसमें वो है, सब सेंसर है, मतलब कहीं भी चाबी नहीं लगती। अब इसको दबाना है खोल के। मुड़ गई। तो फोटो सेशन कंप्लीट हो गया, एक बारी पूछते हैं भाई कैसी लगी? अच्छी है। और जिसने चलाई है? बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत स्मूथ है, लेकिन हमारे पैर नहीं पहुँचते, बट स्टिल भैया ने चलवा दी, तो उसके लिए धन्यवाद आपका। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम BMW की बाइक चलाएंगे, वो भी 1250cc, और मजा आया। हाँ भाई मतलब देख कैसा लग रहा है, इतनी भारी बाइक है चलाई नहीं जाएगी, बट जब चलाई ना इतना हल्का लग रहा था, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल लाइट। मुझे कह रहे मेरे KTM से ज्यादा लाइट लग रही है, मतलब यार ऐसा तो नहीं हो सकता, हो सकता है KTM से ज्यादा लाइट लग रही है। सही है, बाय बाय। तो अभी पीयूष का एक सवाल है, क्या सवाल है? कि आप आसपास बाइक खड़ी करके वहाँ पर गए? वहाँ पर गए, ठीक है, और बाइक लेके कोई निकल लिया? तो निकल लिया तो अच्छा, मेन चीज अगर मैं थोड़ी दूर हूँ तब तो स्टार्ट नहीं होगी। अगर कोई निकल भी जाता है ना, चाबी मेरे पास है, आधा किलोमीटर जाके बाइक बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। और इसको धक्का मारना आसान तो है नहीं। कहाँ ले जाएगा, कहाँ तक ले जाएगा? और ऊपर से इसके अंदर वो भी लगा हुआ है GPS, इसमें GPS भी है, मेरे को पता लगता रहता है मेरी बाइक कहाँ पर है। ठीक है ना, फिर तो टेंशन नहीं।
बिल्कुल, उसको टेंशन हो गई थी, कह रहा बाइक कोई और ले जाएगा फिर क्या होगा। तो इट्स टाइम फॉर लंच और आंटी जी ने इतनी सारी सब्जियां डाल दी हैं, मैं कह रहा हूँ कम कर दो। अरे नहीं खाओ। और ये कह रहे पहाड़ी खाना है, लेकिन ज्यादा भाई, दिल्ली वाले नहीं खाते इतना। कोई बात नहीं, जितना खाएगा खाना। पीयूष खा लेगा आधी, पीयूष मेरे साथ ही खा ले भाई रोटी, कह रहा खाओ आप। तो आंटी जी ने भाई इतना भर के खिला दिया ना, कसम से कह रहा हूँ इतना भर के खिला दिया। मैं खा नहीं रहा था, मैंने बोला मेरे को भूख नहीं, कह रहा अच्छा एक रोटी खा ले, एक के बाद दूसरी रोटी, फिर चावल भी खा ली, अभी कह रहे जाते जाते एक चाय, फिर चाय पी ले, कह रहे एक मीठा भी खा ले। मतलब सच में जैसे वीडियो में दिखते है ना कि हाँ वो प्यारे लोग पूछने वाले, तो वैसे ही है कि हाँ और ये भी खा ले, ये भी खा ले, जाते जाते ये भी खा ले। आते रहे ना, अरे जब यहाँ चक्कर लगेगा घूमते फिरते फिर पहुंच जाएंगे हमें रास्ते से, मतलब यही से रास्ता कटता है, थोड़ा अंदर 5-10 किलोमीटर अंदर आना पड़ता होगा, मैं भी इतना ही है, जब आएंगे तब मिल लेंगे। चले भाई चलो, चलो फिर मिलेंगे, टाटा। आ जाओ अंकल, एक राउंड कटा दूं, अभी भी कह रहा हूँ आ जाओ, चलो बाय बाय, ओके बाय बाय, ठीक है ध्यान रखना अपना, चलो बाय बाय गार्ड साहब। तो गार्ड साहब ने हमें अंदर एंटर होने से रोक लिया था, फिर सौरभ से फ़ोन पे बात कराई तब उन्होंने एंटर होने दिया, और भाई जेन्युइन बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि हाँ, मतलब फील ही नहीं हुआ कि पहली बार मिल रहा हूँ या किसी और के घर आया, मतलब ऐसा लग रहा जैसे अपने घर वालों के साथ बैठा हूँ। और आंटी ने तो खिला खिला के इतना, मैंने उनको बोला कि मुझे अभी बाइक चलानी है, मेरे को दिक्कत होगी, मेरे को नींद आ जाएगी, कह रहे नहीं खा के जाओगे, रोटी चावल चाय मिठाई। लेकिन सही यार, अच्छा लगा। अब बाकी दिल्ली के लिए निकल गया हूँ, दिल्ली है यहाँ से 266, वो लोग मेरे को मिलेंगे रामपुर या मुरादाबाद। अभी अभी मेरी डिम्पी बाजी से बात हुई है, वो रुक के ढाबे पे खाना खा रहे हैं, 1-1.5 घंटा उनको खाना खाने मिलेगा, तब तक मैं उनके पास पहुँच जाऊँगा। ओहो आई थिंक सब्सक्राइबर हैं, क्या बात कर रहे हो? ये देखो। ओहो ये तो बहुत गजब हो गया भाई, वीडियो हमारी वीडियो चल रही है और हम सामने, बहुत सही है। और कहाँ पर, कहाँ रहते हो आप लोग? रुद्रपुर रहते भैया। कहाँ जा रहे? अच्छा रुद्रपुर ही जा रहे होगे, सही है, देख रहे हो किस्मत, भगवान कहाँ कहाँ किस किस को मिला देता है। हाँ लो ना, लो फोटो लो, आ जाओ आ जाओ साइड पे, आ जाओ साइड पे, साइड पे, साइड पे, साइड पे, साइड पे। कैसे हैं? ठीक है, गाड़ी पहचान ली आपकी। अरे अरे अरे, सही है सही है, अच्छा लगता है यार ऐसे रास्ते में लोग मिलते रहते ना। देखो फोटो खिंचवाने में कितनी देर लगती है, 5 मिनट, कोई दूर से हाथ दिखा रहा है कोई मिल रहा है, तो 5 मिनट लगा लो, मिल लो और निकल जाओ। क्या बढ़िया रोड है यार ये, इस रोड पे ना मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, सौरभ के घर से बाहर निकलते ही ऐसी रोड, मतलब कहते हैं ना वारे न्यारे, मतलब कहते हैं सोने पे सुहागा, ऐसा कह सकते हैं कि इतनी बढ़िया इतनी सुंदर रोड घर से बाहर निकलते ही, हालांकि धूप बहुत तेज़ है, वो देखो सूर्य देवता, लेकिन पेड़ों की वजह से ना बिल्कुल भी लग नहीं रही है। बाय बाय। देखो लाइफ में मजे लेने के तरीके ना बहुत सारे होते हैं, बस सबका तरीका अलग अलग होता है। हमें बाइक पे मजे आते हैं, गाड़ी पे भी आते हैं, हर जगह आते हैं, इनको ऐसे मजे आ रहे हैं, हर किसी का तरीका अलग होता है, लेकिन जोन सा भी जिसका तरीका ना मजे लेते रहो भाई जिंदगी। ये देखो 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 भाई साहब, यही बता रहा था मैं, जिंदगी बहुत छोटी सी है, कब नहीं पता क्या हो जाए, इसलिए जितना टाइम है उसको एंजॉय करके जी लो, वही कहते ना कल हो ना हो, तो बस वही वाली बात है। तो डिम्पी बाजी ने अपनी लोकेशन भेज दी है जिस ढाबे पे वो रुके हुए हैं, अभी उनका कॉल भी आया, यहाँ से आधे घंटे का रास्ता दिखा रहा है, 24 किलोमीटर 34 मिनट दिखा रहा है, और कह रहे हैं वहाँ पर बाहर बड़े बड़े सोफे लगे हुए हैं, आराम से सोफे पे लेटे हुए हैं। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, अब खाना वाना खाओ, देखो मेरा पेट तो एकदम फुल है, घर तक अब मेरे को कुछ नहीं खाने की जरूरत है, इतना ज़्यादा खिला दिया आंटी जी ने, तो अभी आप लोग खाओ आराम से, मैं आता हूँ, आते निकल जाएंगे हम आगे के लिए। अच्छा अगर आपको याद होगा सब्सक्राइबर ने मेरे को पहाड़ों पे ऐसे हाथ हिलाया था जब मैंने रोक के फोटो भी खिंचवाई थी, तो भाई पहाड़ों के बंदे ना बहुत ज़्यादा शरीफ होते हैं, आपको लिटरली हेल्प चाहिए तो आपकी हेल्प भी करेंगे, अगर मेरे को ऐसे हाईवे पे कोई हाथ दे रहा रोकने के लिए तो मैं नहीं रोकूंगा, बिकॉज कुछ नहीं पता लूट पाट हो जाए, कोई चक्कू वक्कू मार दे, कुछ भी हो जाए यार, तो यहाँ मैं रिस्क नहीं लूँगा, हाँ पहाड़ों पर ले सकता हूँ, बिकॉज पहाड़ी बंदे मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा शरीफ है, एकदम जेन्युइन होते हैं इसलिए। तो लोकेशन तो यहीं कहीं की दिखा रहा है, तो मतलब यहीं कहीं सोफे पर लेटे होने चाहिए सारे के सारे, वो रहे ये रही अपनी बाइक्स, ये यहाँ लेटे हुए थे। मैं बाहर वाले रूट से आया हूँ, फिर अंदर आया, यहाँ से बाहर हाईवे जुड़ेगा, वो बढ़िया रास्ता, ये क्या लैपटॉप खोल के यहीं पर एडिटिंग, इतनी स्पीड, इतने तेज डाटा ले रहा हूँ, भाग जाएगा फिर 17 GB का डाटा कौन देगा ये। ओ भाई डाटा लेके नहीं भागने देंगे, आराम
आराम और आराम भाई, लोकेशन तो बहुत सही चुनी आराम करने के लिए। मैं कहता रहा हूँ ओ भाई तेरे अंगूठे में दर्द हो रही है, पूरी की पूरी खाट वाट लगी हुई है, यहाँ खाट लगी हुई है, वहाँ पर पैसा लग रहा है, बेड लगा हुआ है, आराम से लेट जाओ सो जाओ। मतलब ऐसी जगह में तब नहीं मिलती जब हम बहुत ज्यादा थके होते हैं, अभी थके नहीं होते ऐसी जगह मिलती, कई बार होते ना बहुत थके होते हैं, आराम करने का मूड होता है कि एक घंटा सो जाए, तब नहीं मिलती ऐसी जगह, एकदम फ्रेश है तो हमें ऐसी जगह मिल रही है। चले भाई चलो चलो। सो द टाइम इज 5:48, 10 मिनट का यहाँ पर ब्रेक लिया मैंने, पानी वानी पिया, ये कुछ लैपटॉप पे काम कर रहे थे, तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से कम से कम हमें 3 घंटे और लगेंगे दिल्ली पहुँचने में, मोस्ट प्रोबली 9:30 तक घर पहुँच जाएंगे। इसको ऊपर करना यार, मेरे अंगूठे में लग गई है यार, थैंक यू। एक्चुअली मेरे इस अंगूठे पर बहुत तेज़ लग गई है, हुआ क्या था, पीयूष ने ये टैंक खोला और जब मैं बंद कर रहा था तो मैंने ऐसे दबाया और ये जो चीज़ है ना ये नोकीली सी ये मेरे नेल के अंदर चली गई और बहुत ज़्यादा खून भी निकला था। फोटो भाई फोटो ले लो, ओहो हो ऑरेंज ऑरेंज सूरज कितना अच्छा लग रहा है। और मैं 3 घंटे कह रहा था, गूगल महाराज कह रहे 4:01 लगे घर पहुंचने में, तो करीबन 9:53 10 बजे के करीब घर पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शाम हो गई है ना, ज़्यादा धूप भी नहीं मिलेगी, मौसम सही मिलेगा, शाय शाय करते पहुँच जाएंगे। चलो भाई वो देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई, बादल आसमान ऑरेंज ऑरेंज। तो अभी इस पुल पर चढ़ रहे थे, काफ़ी गाड़ियाँ रॉन्ग साइड वापस आ रही थी, जैसे बाइकर आ रहे हैं वो देखो गाड़ी बैक होके आ रही है, पुल के ऊपर तगड़ा जाम लगा हुआ है, गूगल मैप पे दिखा रहा है, तो हमने सोचा पुल के नीचे से ले लेते हैं। लो बताओ बंदे तो यहाँ से भी वापसी जा रहे हैं, मतलब कुछ तगड़ा ही कांड हुआ जिसकी वजह से इतना तगड़ा जाम लगा हुआ है। तो एक्चुअली क्या सीन है, साथ वाली रोड बंद है, कुछ काम चल रहा है, तो एक ही रोड चालू है, यहीं से बंदे आ रहे हैं यहीं से जा रहे हैं, इस वजह से लग रहा है जाम। ये देखो देखो इनकी वजह से, इनकी वजह से भैया लाइन में रहो, सामने से भी गाड़ियाँ आ रही है, बाइक तो चलो निकल जाती है। तो अभी मैंने ग्लव्स उतार दिए बिकॉज मेरे ये वाली फिंगर ना बिल्कुल, तो अभी मैंने ग्लव्स उतार दिए बिकॉज मेरा अंगूठा बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहा है, मेरे को लग रहा है अंदर से मांस फट गया, हड्डी नहीं टूटी, पूरी जान लगा रहा हूँ कर रहा है लेकिन पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आई थिंक कोई मांस वास फट गया अंदर से। तो देखता हूँ घर जाके कुछ मूव शूव लगा के गर्म पट्टी बांध लूँगा। ओ भाई सच बता रहा हूँ यहाँ से पेन, मतलब यहाँ से ब्लड आया था, देख रहे हो नेल के अंदर दिख रहा है ब्लड जमा हुआ, ब्लड निकला पहले यहाँ से दर्द, यहाँ है यहाँ से यहाँ है, अभी इतने एरिया में दर्द आ चुका है और इतना पक्का हड्डी नहीं टूटी, लेकिन भाई बड़ा तगड़ा पेन है, रात को गर्म पट्टी बांध के सोऊंगा बस सुबह तक ठीक हो जाए, अगर हड्डी वड्डी टूटी होती ना तो सूजन आ जाती, सूजन नहीं आई, देखो दोनों अंगूठे बराबर ही लग रहे हैं लेकिन पेन इतना है ना मुझे पता है, मतलब क्लच भी ना ऐसे दबाना पड़ रहा है धीरे 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 धीरे, जहाँ खड्डे वड्डे आते हैं मतलब एकदम से, वो कहते हैं ना वो चिलमिलाहट सी मच जाती है इसके अंदर। तो अभी हम डलवा रहे हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम, कभी कभार मैं इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम डलवा देता हूँ, कभी कभार नॉर्मल, तो यहाँ दिख गया तो डलवा लिया। तो भाई एक एक चाय पीने का मूड हो रहा था, ओहो हो, तो हमने सोचा पी ली जाए। तो कुलदीप किसी को नहीं जानता, जैसे खाना सामने आता है कह रहे तुम हो कौन, भूल जाता है, भूल जाता है। स्वाद आ रहा है, बढ़िया बनाया, बनवाए किसने ये भी तो बता दो, चटपटे। एक मिनट ये तो आ नहीं रही, जब ऑर्डर देने गए थे ना मैंने बोला था बढ़िया बनवाना, हाँ ये स्पेशल बोल के भाई मसालेदार एकदम करारे बनाना, हाँ और वैसे ही है। तो जैसा हम सोचते हैं ना वैसा कभी भी नहीं होता, 10:05 हो चुके हैं, 1.5 घंटे से ही बैठे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं मौज ले रहे हैं मौसम के। चले भाई चलो, भाई चलो चलो आराम से मारे भाई, ये ना अंगूठे का काम हो जाए। तो दिल्ली में एंट्री होते ही चेक पोस्ट, लेकिन हमें नहीं रोका। सो फाइनली गुड़गांव हम पहुंच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 10:57। तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, जू त्यार शार होके बैठे हुए, कह रहे आते ही वीडियो बनाएगा, मेरे को पता है टाइम देख लो, सही टाइम पे पहुंच गए लेकिन बिल्कुल सही आ गया। हाँ तो भाई क्या कह रहा था तू, क्या चाहिए तेरे को, कौन सा गिफ्ट, कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं आया, बरात पे आया तू, गिफ्ट कोई नहीं आया तेरा, अच्छा 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 आया 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 भाई, ठीक है। तूने हाउस मांगा था ना, भूल गया, इसके अंदर क्या है, इसका हाउस बनेगा, इसका हाउस बनेगा इससे जोड़ के, ठीक है। स्लाइम, इसकी खुशबू देख कितनी अच्छी है, मैं भी सुन के देख लो, इससे अच्छी तो मैंने वहां तो वो महंगी बातचीत वाली जो तू लाया, नहीं यार अच्छी है, अच्छी है हां, इसके लिए रख ली, और ये ले वो देखिए उधर, उधर देखियो, ठीक है मुझे पता था नहीं, अच्छी है जनरल अच्छी है, एक बार सुनो ये क्या है, ये पानी में पड़ो, मजाक नहीं कर रहा शेंकी, ये खाने वाली गोली है क्या, सही है बुरी नहीं है, ये खाने वाली नहीं नहीं नहीं, इसको रात को पानी में डुबो के रखियो, ये अच्छा मुझे लगा छुरा बन जाएगा। तो हमें लग रहा था ये घर बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन
ये बन चुका है और यहाँ हरकी है जलेबी और आइसक्रीम हम खा चुके हैं। अभी अपना सोने का टाइम हो चुका है, 12:30 हो चुके हैं और इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यहाँ तक देख लीजिए अच्छा ठीक है, यहाँ तक देख लिया तो बता दे अच्छा कहानी बता रहे तो ही बता दे, यहाँ तक देख लिया तो अरे चक्की नहीं अच्छा धीरे धीरे उनका समझ नहीं आया तूने क्या बोला और ढक्कन 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 अच्छा अच्छा तू कर दे वाली जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।